आंखें हमारे लिए वरदान हैं, भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी का हिस्सा है हमारे लिए। हम इसी आंखों से पूरी दुनिया देखते हैं, लेकिन हमारे गलत तरीक़ों से हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है। इसका महत्वपूर्ण कारण है टीवी, लैपटॉप और मोबाइल में घंटों काम करना, गलत खान पान का प्रयोग करना, जिसकी वजह से हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है। बड़ों की तो छोड़ो, बच्चों जो अभी 6 से 7-7 साल के, उनके भी आंखों पर चश्मे लगने लग गए हैं। जी हाँ, उनकी भी आंखें कमज़ोर होने लग गई हैं। कम उम्र में ही बच्चों की आंखों पर चश्मे लगना यानी कि एक बहुत ही बुरी बात है। तो आज आपकी खान सिस्टर आपको बताएगी कि आपको कौन से ऐसे फूड है जो आपको खुद को अपनी डाइट में शामिल करना है। अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो उनको भी देना है, जो 10-12 साल के जो भी आपके बच्चे हैं उनको भी आपको ये चीज़ें खाने के लिए देनी है, ताकि उनकी आंखें भी स्वस्थ रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खानी है, आपको खानी, आपके परिवार वालों को खानी है, ताकि आपकी भी आंखें स्वस्थ रहे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। जो जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँ वो चीज़ आप फॉलो कीजिएगा, तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, वीडियो को आप आपके दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। चलो चलते टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो आता है आंवला। जी हाँ, आँखों के लिए आंवला वरदान है, क्योंकि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, जो आँखों के लिए ही नहीं हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप आंवले का सेवन करना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी की बहुत सारी परेशानियां इससे दूर हो जाएगी। आपकी आंखों की रोशनी तो तेज होगी ही होगी, आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त होगा, आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी त्वचा, आपकी स्किन में शाइनिंग आएगी। जी हाँ, ये जो आंवला है ये बहुत कमाल का इंग्रेडिएंट है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है और बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप इसको खाना शुरू कर दोगे, चाहे आप आंवले की कैंडी या फिर अचार या फिर सूखा कर जैसे भी चाहो वैसे आप खाइए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा बादाम जो है, बादाम भी हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बादाम में भी बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं जो जो भी चीज़ आपको बता रही हूँ वो सिर्फ आँखों के लिए ही नहीं, आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो जो बादाम है वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है, हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाता है। यहाँ तक कि बादाम का आप सेवन करोगे तो आपकी मेमोरी तेज होगी, आपकी याददाश्त तेज होगी और आपकी आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, अंदर से हेल्दी बनोगे। तो बादाम हमारे लिए बहुत अच्छी है, इसलिए आपको बादाम का सेवन ज़रूर करना चाहिए। बादाम आप रात में 4-5 बादाम को रात में भिगो दे, सुबह उसका छिलका हटा के खाइए, इससे आपकी रोशनी ज़रूर तेज होगी आँखों की। इसके अलावा अगर आप गाजर का सेवन करते हो तो गाजर भी हमारी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर से हमारी आंखों को बहुत फ़ायदा होता है, ये हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करती है, हमारी आंखों को हेल्दी बनाती है और गाजर से खून भी बढ़ता है। तो आप चाहो तो अगर आपको खून की कमी है या आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो आपको सलाद के तौर पर या फिर ऐसे भी आप गाजर को धोकर खा सकते हो। गाजर बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो गाजर को भी आपको ज़रूर खाना चाहिए, आपके परिवार वालों को खाना चाहिए, आपके बच्चों को भी इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो गाजर खाने की आप आदत डाल ले, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए, आपके परिवार वालों को भी खिलाना चाहिए, ये आपकी आँखों के लिए वरदान है। इसके अलावा अगर आप मांसाहारी हो और मछली का सेवन कर सकते हो, मतलब मीट वगैरह खा सकते हो, तो आप मछली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मछली खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपकी आंखें स्वस्थ रहती है, बहुत कमाल की चीज़ है मछली। इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी पाई जाती है जो हमारी आंखों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए
बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसलिए आप अगर मांसाहारी हो, आप मछली का सेवन कर सकते हो, तो आपको आपकी डाइट में मछली को ज़रूर शामिल करना चाहिए। मछली आपके आँखों को स्वस्थ रखने का काम करती है और ये आपकी आँखों को स्वस्थ बना देती है, इसलिए आप मछली का सेवन ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप जो हरी सब्जियां जो होती है वो भी हमारी आँखों को हेल्दी बनाने का काम करती है, हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अभी तो मार्केट में बहुत तरह की हरी सब्जियां आ रही है और बहुत फ्रेश आ रही है, तो आप कोशिश करें कि घर में हरी सब्जी तो एक या तो दिन में एक मील तो हरी सब्जी बनाए और आप खाएं, आपके बच्चों को खिलाएं, ताकि वो अंदर से स्वस्थ होंगे, उनकी आँखें भी स्वस्थ होगी। तो इसलिए आपको आपकी डाइट में हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए और अपने परिवार वालों को खिलाना चाहिए और आपको खुद को भी खाना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रहो। तो आज की वीडियो में आपकी खान सिस्टर ने आपको कैसे आप आपकी हेल्थ को और आपकी आँखों को स्वस्थ बना सकते हो, किन किन चीज़ों को खाकर, ये मैंने बताया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, थोड़ी भी आपके काम की है, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना आप आपके दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम एक नई यूट्यूबर है, हमें आपके साथ की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए आप हमारा सपोर्ट बने और हमारे चैनल खान सिस्टर 786 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और करवाएं। हम आपको हमेशा दुआओं में याद रखते हैं, तो आप भी हमें हमेशा दुआओं में याद रखें, पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचे। तो बाय बाय एंड टेक केयर माई ब्यूटिफुल यूट्यूब फैमिली, खान सिस्टर 786।